बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ वीडियो लाइक कर दी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह सुबह का वक्त है तो अभी घर से जी लेते रोटी और उसके जी टुकड़े करके छत पर डालते हैं ताकि कोई परिंदे वगैरह आके जी रोटी खा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी मैंने ले ली है, अभी इसके टुकड़े करके तो डालते जी परिंदों को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी के पीस वगैरह मैनेज कर लिया और कौवे भी छत पे आ गया जी अभी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर छत पे इनको जी डाल देते हैं रोटी। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह रोटी डाल दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौवे भी आना जी स्टार्ट हो गया बहुत ही ज़्यादा तादाद में। ये देखो जी, कौवे कौवे हो गए, काफ़ी देर से लगता भूखे है जी। तो मैंने सोचा जी ये काम भी करना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटी खा रहे भी जी, ये देखो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उधर शहर के आ गई है, इधर कौवे जी। तो ये देखो जी रोटी खा रहे जी दर दर से माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोग भी सुबह उठकर तो रोजाना जी छत पे खाना डाला करे ताकि कोई जानवर वगैरह जी आके खा जाए, इससे जी स्वाद भी मिलता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैं आ गई रोड पर और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, दरख्त जी कैसे जुड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त के साथ जी, इससे जी कुछ खाते हैं सेब वगैरह दुकान से जी। एक का था लड़ा जिधे तोड़ी गया हो, कोई फड़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बारिश के बाद जो मेरे गांव के कच्चे रास्ते हैं उनका जी मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ये चेक करो जी कितना इधर जी कीचड़ वगैरह हो गया, ना नंगा जाता है ना टापा जाता है। चेक करो जी, इधर से बाइक गुजरना भी जी मुश्किल है। चेक करो जी, बहुत ही ज़्यादा रास्ता जी खराब हो गया। ये देखो जी वो उधर तक सारा जी। ये जी हवेली हमारे हमसाई है उनकी है, तो उन्होंने जी अपनी हवेली में ईंट लाई है। ये देखो जी अभी इन्होंने जी हवेली की चार दीवारी करनी है, मतलब कि दीवारें वगैरह जी ऊंची करनी है जी। ऐसे जी खुली हवेली पड़ी हुई है तो ईंटें अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आ गई है, तो इन्होंने जी अभी काम शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अपना काम इसलिए शुरू नहीं कर रहे क्योंकि जी बरसात का मौसम है मानसून का, तो एक दो दिन बाद जी बारिश हो जाती है, इसलिए ये काम नहीं शुरू कर रहे। ये हमारे जी हमसाई है, हमारे घर के पास इनका जी घर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर बिस्तर के ऊपर जी मानो आके तो बैठ चुकी है जी। ये इसके काम क्या करो जी, किधर बैठी है ज्यादातर जी, ये इस कमरे में रहती है। दो तीन बच्चे भी दिए है जी। ये हमारा जी स्टोर रूम है, तो इधर जी हमने जी लकड़ियाँ वगैरह गोए वगैरह रखे हुए है जी। मतलब के घर में जी सबसे पुराना कमरा और सबसे नीचे वाला कमरा, जब हमने जी अपने न्यू मकान तैयार किए थे आज से 10-12 साल पहले, तो सारे घर में मिट्टी डाल दी थी, तो इस कमरे में जी मिट्टी नहीं डाली थी क्योंकि इस कमरे में उस वक्त भी जी बहुत ज़्यादा सामान था सारे घर का, जिसकी वजह से जी इस कमरे को नहीं तैयार किया गया। ये देखो जी, ये कमरा ऊंचा और इसकी नस्बत जी ये 3-3 फुट जी नीचे वाला है। और उधर से जी छत में भी जी बहुत ज़्यादा सुराख हो गया बारिश आने की वजह से। तो ये देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने गोए वगैरह लगाए हुए हैं, तो उधर से जी सुराख हो गया जी छत में। जब बारिश आती है तो सारे गोए जी गीले हो जाते हैं। और बाकी इधर का माहौल चेक करो जी, ये हमारा स्टोर रूम। अभी मैं जी आपको छत का ऊपर वाला सब बताता हूँ कि बारिश ने क्या हाल किया जी। ये देखो जी, इधर से सारी छत जी फट गई है पानी की वजह से। ये भी सारी जगह जी बैठ गई है जी। चेक करो जी, ये देखो जी सारा नुकसान हो गया। इधर से भी चेक करो जी। तो अभी जी इस जगह को ढांप देते हैं छापड़ से ताकि कोई बच्चा वगैरह जी गिर ना जाए इधर से। ये जी मैंने छापड़ लगा दिया सेफ्टी के लिए। इधर भी देखो जी, बारिश की वजह से जी दीवार के साथ से जी मिट्टी उतर गई है। ये चेक करो जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी भिंडी को काट के तो जी इधर धूप में रखा ताकि सूख जाए, आज जी भिंडी बनेगी घर में। तो ये देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सुखाने के लिए जी रख दी गई है। इधर जी धूप में किसी ने अपने गधे जी बाहर बांध दिए चारा खाने के लिए,
इनको धूप जी बहुत ही कम लगती है क्योंकि इनकी जो चमड़ी है वो जी बहुत ही सख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जी वक्त अभी हो गया जी दोपहर के 2 बजे का, धूप जी बहुत ही तेज है आज। और अल्हम्दुलिल्लाह जी छोटा भाई धूप में जी चारा लेने आ गया, ये देखो जी इतना सा काटा। और अभी मुंजी से जी सुहाख वगैरह जी निकाल है, वो आया शाम को काट ली शामे। धूप में ही भाई जी काम पर लग चुका जी, वो देखो जी भाई जी चारा अभी इसलिए लेने आया क्योंकि जी चारा काट के इसने बाद में जी बकरियां भी छोड़नी है, तो इसलिए जी ये धूप में ही चारा लेने आ गया। और बाद में जी भाई ने बकरियां भी छोड़नी है जी बाहर, ये देखो जी काम लगा हुआ वो उधर धूप में जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है तो अभी जी गर्मी में बनाने लगा हूँ जी कंजमी। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी में बर्फ़ डाल दी, चीनी और नमक भी डाल दिया, ग्लास मेरे पास है। और अभी जी नींबू डाली जाएगी इसमें, ये देखो जी काट लिए गया, तो इस मशीन की मदद से जी नींबू डाले जाएंगे। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जी नींबू एक डाल दिया गया जी। ये जी माशाल्लाह दूसरा भी गया। ये जी अभी इसको जी हल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार बना पानी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी मैं आप लोगों को जी सिंगर हनीफ डोगर से मिलवाता हूँ, वो जी बाहर जी गांव चारने के लिए आया, तो अभी वो आपको जी एक सॉन्ग सुनाएंगे। दोस्तों की हाल है, मेरे को गांव सुनो। हच मटा ता वजदा तू वज जे दिल विच प्यार, कहे दन हो जाने कोल कुरार, चिमटा ता वजदा ਉਹਦੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਵਾਂ ਅਜੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗ 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 ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਭਬਰਾ ਵਾਈ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਕਹੇ ਦਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਲ ਕੁਰਾਰ, ਚੁੰਮਟਾ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਚੁੰਮਟਾ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ। ਟੱਪਾ ਸੁਣੋ ਬਾਈ। ਅਭੀ ਜੀ ਹਨੀਫ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਜੀ ਟੱਪੇ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਾਏਗੇ, ਚਲੋ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਹਜੇ ਟੱਕ ਕਰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇ ਡੱਬਟੇ ਵਾਲੀਏ, ਹੈ ਮਾਇਆ ਆਸ਼ਕ ਨੀ ਡੋਗਰਾ ਆਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਹੋ ਕੋਈ ਭਾਗ ਚ ਲਿਸ਼ਕ ਪਈ ਤੇ ਸਜਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤਿਲਕ ਪਈ। ਜੀ ਹਨੀ ਡੋਗਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਾ ਵਲਾਗ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਖਤਮ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲਾਗ ਕੈਸਾ ਲਗਾ। तो मेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुक्रिया, ठीक है, बाय बाय कर दी, बाय बाय।